अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू विल फिट एंड फाइन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम फिर इजी कलर से काम करने वाले हैं विद 20 वॉल्यूम। बेस कलर चेंज करेंगे हम। ये मेरा बिफोर है, ये कमर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने पहले ही बेस कलर बना लिया। बेस कलर बनाने के बाद हम हाइलाइट्स करेंगे बालों के अंदर। एक्चुअली ये हिना ट्विटेड हेयर हैं, तो इनके ऊपर हम कट डाउन के बाद 4.3 एजी कलर से हाइलाइट्स करेंगे। ये बेस कलर हमने पहले ही चेंज कर दिया था। 45 मिनट तक एप्लीकेशन रखी है, फिर जाकर इनका रिजल्ट आया है। 20 वॉल्यूम से हमने रूट्स में किया है और 30 वॉल्यूम से हमने लेंथ में किया है बेस कलर। ये थोड़ा सा ब्लू कलर है, कट डाउन के अंदर हम यूज़ करेंगे। कहीं से पैची वगैरह लुक आएगा तो ये कवर हो जाएगा। कट डाउन बनाने का तरीका देख लें आप। इनर ट्रीटेड बालों के ऊपर कट डाउन बनाने का तरीका ये है कि आप पहले ब्लोंडर इस्तेमाल करेंगे, पहले हम पाउडर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इनका ब्लोंडर इस्तेमाल करेंगे डिवेलपर क्यूने का। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे बनाएंगे। एक साथ बना के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके ये ज़्यादा फूल जाता है और फिर वो ये एक्सपायर हो जाता है डी कलर हमारा, तो ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। पहले आप थोड़ा थोड़ा बनाया करें, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करा करें, थोड़ा थोड़ा बनाई जाएँ और फिर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करते जाएँ। ऐसे एक क्रीमी फॉर्म में इसको तैयार करें डी कलर को। थोड़ा थोड़ा मिक्स करें इसको। 30 वॉल्यूम हम क्यूने का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने यहाँ थोड़ा सा ब्लू कलर डालेंगे अकॉर्डिंग टू हेयर लेंथ। ये देखें, आई थिंक ये 1 इंच के करीब हमने डाला है। आपने बालों की लेंथ देख ली है स्टार्टिंग में ही। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं, घने हैं, तो आप 2 इंच के करीब भी डाल सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू हेयर क्लाइंट्स। ये ब्लू कलर डालने से ये होता है कि आपके जो बालों के अंदर पिगमेंट आ जाती है, जो हिना कोटेड हेयर होते हैं और जो मेटालिक डाई वगैरह यूज़ किया हुआ होता है हमारे क्लाइंट्स ने, तो ये जो पैची लुक आता है ना, वो इवन टोन में आता है, कहीं से पैची लुक नहीं आता है। ये जितना भी हो सकता है पैची लुक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है हमारा ब्लू कलर। कट डाउन के अंदर अगर हम ब्लू कलर को ऐड कर देते हैं तो ये पैची लुक को कंट्रोल करता है, इवन टोन में लेकर आने की पूरी कोशिश होती है इसकी कि ये इवन टोन में लेकर आए। देखें आप, थोड़ा थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। ये नहीं कि एकदम से आपने बहुत सारा सा पाउडर डाल दिया, बहुत सारा डिवेलपर डाल दिया, एकदम से सबको तैयार करके रख लिया, ऐसे नहीं। थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते रहें और थोड़ा थोड़ा डालते रहें। मटेरियल जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से रेडी करना है बालों पे लगाने के लिए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही अच्छा आपका डी कलर का रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अब हमने क्या करना है, हेयर के सेक्शन बना लेने हैं। ये हमने बालों पर बेस कलर पहले ही कर लिया था, ये हिना ट्रीटेड हेयर है। इसके ऊपर अभी 1 हफ्ता पहले ही हिना लगी थी। 20 वॉल्यूम से इनका रूट टचअप हुआ है और 30 वॉल्यूम से इनका लेंथ में हमने बेस कलर दिया है, क्योंकि इनके ग्रे हेयर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ग्रे हेयर भी थे। इसी में हम इन्हें हाइलाइट्स देंगे। सेक्शन बना लेंगे हम। सेक्शन करके काम करने में आपको सहूलत होगी, बाल एक दूसरे के अंदर मिक्सअप नहीं होंगे। प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप पहले सेक्शन बना लें, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करें।
एयर टू एयर पार्टिंग हमने अलग कर ली है, पीछे के बालों को हमने अलग से क्लिप कर लिया। अब हम इनके अंदर वेविंग टेक्निक के साथ काम करेंगे। बाल घने हैं तो इसलिए मुनासिब वेविंग उठाई है ताकि सारे बालों में हाइलाइट्स प्रॉपर तरीके से नज़र आएं। गाइस, अगर बाल हेल्दी होते हैं यानी कि मिकदार उनकी ज़्यादा होती है और घने और लंबे बाल हैं तो आप थोड़ा सा हैवी वेविंग उठाएंगे, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं, बारीक बाल है आपका, तो आप बिल्कुल लाइट लाइट सा वेविंग उठाएंगे। एक्चुअली ये होता है कि जब आप थिन हेयर्स में बहुत मोटी मोटी वेविंग उठा लेते हैं, जब आप वॉश करवाते हैं उसके बाद आपके हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा पूरी बाल उससे छुप जाते हैं तो वो कुछ अच्छा लुक नहीं आ रहा होता है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग आप अगर ये देखें, कट डाउन के बाद मैंने इसे वॉश करवा दिया। देखें, हीना ट्रीटेड हेयर थे लेकिन फिर भी कितना कवर किया है ब्लू कलर ने। ये हमारे कट डाउन का रिजल्ट है ब्लैक बालों में। कट डाउन करने के बाद ये देखें, वॉशिंग यूनिट पे ही हमने इसकी टोनिंग कर दी थी 9.3 नंबर से हमने इसकी टोनिंग की है। ये रिजल्ट आपके सामने, हीना ट्रीटेड हेयर के ऊपर हमने आपको हाइलाइट्स का तरीका बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।